दोस्तों अभी चल रहा है 2020। अगर आप भी इस साल अपना YouTube चैनल करने शुरू करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे YouTube अर्निंग से रिलेटेड, और बात करने वाले हैं यार कौन कौन से कैटेगरीज के चैनल आपको हेल्प करेंगे काफ़ी तेजी से ग्रो करने में। तो है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थिंक अबाउट टेक चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा, अगर हमारा कंटेंट पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई डाउट या सवाल या सुझाव हो तो यार हमारे कमेंट सेशन में लिखना ना भूलें। तो दोस्तों बात करते हैं यार YouTube चैनल 2020 में करना चाहिए। तो यार YouTube हमेशा से काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म रहा है, पर यार इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत मतलब आपको देखने को मिलती है यार, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए YouTube के लिए। तो दोस्तों YouTube तो बेशक आप 2020 या दो आने वाले 10 साल 20 साल में भी अगर आप YouTube पे चैनल क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आराम से कर सकते हैं। पर बात करते हैं दोस्तों अर्निंग के बारे में। तो यहाँ पे मैं जैसा कि आपको थंबनेल में देखने को मिला था मेरे अर्निंग के बारे में, YouTube अर्निंग से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। तो यार मेन यही है मेन, तो यार YouTube अर्निंग, तो यार YouTube पे अर्न करना काफ़ी ज़्यादा अब मुश्किल हो गया है एज़ कम्पेयर 2-3 साल पहले के मुकाबले। क्योंकि यार 2-3 साल पहले होता क्या था, आपने चैनल क्रिएट किया, YouTube एडसेंस के लिए अप्लाई किया, 10-15 दिन में आपका एडसेंस अप्रूवल हो जाता था। पर यहाँ पे अब आपको 4000 मिनट का वॉच टाइम चाहिए अपने चैनल पे, 4000 मिनट या घंटे, मैं खुद डाउट में हूँ अभी फ़िलहाल दोस्तों। तो आप यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तो यार 4000 जो घंटे या मिनट है उसमें उसका वॉच टाइम आपको चाहिए पहले तो अपना एडसेंस ऑन करने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत उधर लग जाता है। तो यार उतना अर्निंग नहीं हो पाता है उस कारण शुरू में आप उतना अर्न नहीं कर पाते। अब दोस्तों बात करते हैं यार कि YouTube $100 जो, जैसा कि अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर नहीं भी हैं और सोच भी रहे बनना, तो यार मैं आपको बताता हूँ एडसेंस से रिडीम करने के लिए पहले आपको $100 चाहिए। तो यार वो $100 होने में कितना टाइम लगता है, तो दोस्तों एक बार आपका एडसेंस मोनिटाइज हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद अगर आपके लगभग 5 लाख व्यूज हो जाते हैं तो आराम से आप वो $100 आप आराम से अपने निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों किन किन कैटेगरीज, दोस्तों कैटेगरीज के हिसाब से भी आपकी अर्निंग वैरी करती है दोस्तों। अगर आप कॉमेडी कैटेगरी के हैं तो क्या पता आपको उसी 5 लाख व्यूज पे आपको 200, 500 या $1000 तक भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब कहते हैं, तो दोस्तों YouTube पे ऑप्शन है मल्टीपल एड्स लगाने का। तो दोस्तों ये मल्टीपल एड्स उन्हीं चैनल पे लगते हैं जिनका कंटेंट 10 मिनट से मतलब जिनका जो वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा के होते हैं। दोस्तों अभी फ़िलहाल YouTube करता क्या है दोस्तों, जो छोटे वीडियोज़ होते हैं जैसे कि 10 मिनट के अंदर, तो अधिक से अधिक करता क्या है आपके चैनल पे 2 ऐड लगाता है, कैसे, एक वीडियो के शुरू में और एक वीडियो के बाद में। तो दोस्तों यहाँ पे टेक कैटेगरी का उतना ज़्यादा ग्रो नहीं होता है क्योंकि 10 मिनट तक खींचना उतना आसान नहीं होता है। पर यार कॉमेडी हो गया, इंटरव्यू टाइप हो गया, अगर आप पॉडकास्ट हो गया यूट्यूब पे, अगर आप ये सब करते हैं तो यार ऑडियंस का रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर आने वाला है दोस्तों। तो इस कारण अगर आप लंबे वीडियोज़ भी बनाते हैं शुरू में उसके, तो यार काफ़ी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप काफ़ी तेज़ी से अपने चैनल को ग्रो भी कर पाएंगे और काफ़ी अच्छा खासा पैसा अर्न भी कर पाएंगे अपने यूट्यूब के। तो उससे यार आपको आप जो भी देख लें, कॉमेडी वीडियोस देख लें या व्लॉगिंग देख लें, तो यार ये सब में आप देखेंगे यार काफ़ी तेज़ी से मतलब सब्सक्राइबर भी इंटरेक्ट करते रहते हैं इससे, और काफ़ी दोस्तों ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा इनके वीडियोस भी होते हैं। तो यार ये लोग मल्टीपल एड्स भी लगा सकते हैं अपने चैनल में। और दोस्तों मैं आपको कुछ कैटेगरी सजेस्ट करने वाला हूँ यार कि यार कौन कौन से कैटेगरीज बेस्ट हैं अगर आपको शुरू करना है। तो यार कॉमेडी हमेशा से, जो मुझे लगता है कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यार उसके पीछे कारण है यार कि टेक में होता है क्या दोस्तों, टेक हम लोग पहले हम जब YouTube क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं तो पहला हम लोग का दिमाग टेक पे ही जाता है। तो दोस्तों उसका डिसएडवांटेज यही रहता है दोस्तों कि आपको काफ़ी मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा टेक में, और दोस्तों 10 मिनट से लंबा वीडियो बनाता भी नहीं है और लोग मतलब ऑडियंस जो है काफ़ी देर तक आपके वीडियो तक बन भी नहीं पाती है। तो यार अगर आप कॉमेडी करते हैं यार तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है टेक के मुकाबले। कॉमेडी हो गया, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग हो गया दोस्तों, ये भी आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है दोस्तों ब्लॉगिंग, उसमें भी ऑडियंस का रिटेंशन काफ़ी अच्छा आता रहता है दोस्तों। तीसरा कैटेगरी जो है हम लोग का, तीसरे नंबर पर मैं रखूँगा टेक कैटेगरी को, नहीं तो इसके पीछे कारण ये है टेक नहीं तो यार स्लैश करके आप हाउ टू भी बोल सकते हैं यार, DIY, अगर आप ये सब करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटेंशन आपके चैनल पे बनता है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपके ग्रो करने के। पर यार इन सब में भी आपका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यार
अगर आपका कंटेंट, अगर आपको अपने कंटेंट पे भरोसा नहीं रहेगा दोस्तों, तो यार आपका कंटेंट कुछ नहीं कर पाएगा दोस्तों, उसी हिसाब से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं यार अर्निंग का, यूट्यूब पे अर्निंग का कोई एक तरीका नहीं है, आप मल्टीपल तरीके से भी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर टेक चैनल है तो यार टेक चैनल वालों को रिव्यू यूनिट स्पॉन्सरशिप मिलता रहते हैं, तो दोस्तों इसी तरह कॉमेडी चैनल वालों को भी मिलते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं उस पर डेप्थ वीडियो, तो मैंने उस पर एक डेप्थ वीडियो बनाई है, यहाँ पे थंबनेल दिख रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और मैंने इससे पहले ऑनलाइन अर्निंग के बारे में भी वीडियो बनाई है, अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है तो उस वीडियो को भी जाके एक बार ज़रूर चेकआउट करें। अब दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर ग्रो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, एक पूरी प्लेलिस्ट है हमारे इंस्टाग्राम पर, आप जाके वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों जाइए हमारे चैनल को चेकआउट करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बस आज के वीडियो में इतना ही, काफ़ी छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मैं आपको बेसिकली समझाना चाहता था यार कि अर्निंग यूट्यूब पे उतना आसान नहीं है, पर यार अगर आपका कंटेंट बेस्ड है तो आप अर्न कर सकते हैं अच्छा खासा पैसा यूट्यूब से भी। और कौन कौन से चैनल, मैंने तीन कैटेगरीज बताएं जिससे आप काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे, पर यार आपका कंटेंट उसके लिए बेस्ट होना चाहिए। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक और फ्रेश एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।